से पकड़े गए भाजपा विधायक के बेटे के घर मिला नोटों का अंबार, 6 करोड़ बरामद। घूस लेते पकड़े गए कर्नाटक के भाजपा विधायक के बेटे के घर से 6 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। भाजपा विधायक एम विरूप छप्पा के नौकरशाह बेटे प्रशांत को लोकायुक्त की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 40 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा है। इसके बाद जब प्रशांत के घर पर रेड डाली गई तो वहाँ भी छह करोड़ रुपए की रकम बरामद हुई। नकदी के भंडार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। चुनावी साल में विधायक के बेटे के पास इतना कैश पाए जाने से भाजपा की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल बेंगलुरु की लोकायुक्त अदालत ने प्रशांत को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रशांत के अलावा अन्य 4 लोगों को भी हिरासत में भेजा गया है। लोकायुक्त की एंटी करप्शन विंग ने गुरुवार शाम को प्रशांत के घर पर भी रेड डाली थी और 6 करोड़ रुपए की रकम पाई गई थी। इतने बड़े पैमाने पर कैश था कि काफी समय उसे गिनने में लगा और देर रात टीमें घर पर सर्च करती रही। दावणगेरे जिले के चन्नागिरी सीट से विधायक एम विरूप छप्पा राज्य की सरकारी कंपनी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन भी है। यही कंपनी मशहूर मैसूर सैंडल सोप बनाती है। वही विरूप छप्पा का बेटा प्रशांत बेंगलुरु जल बोर्ड में चीफ अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है। गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने प्रशांत को KSDL के ऑफिस में 40 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा गया था। घूस लेते पकड़े जाने पर उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा ऑफिस से 3 बैगों में 1.75 करोड़ रुपए की नकदी भी पाई गई, उसे भी जब्त किया गया है। कर्नाटक लोकायुक्त ने कहा, एंटी करप्शन ब्रांच ने गुरुवार को प्रशांत मंडल को 40 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा है। इसके अलावा 1.7 करोड़ रुपए की रकम उसके ऑफिस में भी बरामद की गई है। लोकायुक्त ने कहा कि हमें प्रशांत के बारे में टिप मिली थी जिसके आधार पर छापा मारा गया था। 2008 बैच का कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशांत ने कच्चे माल की डील के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर से 81 लाख रुपए की घूस मांगी थी। बम्बई बोले, लोकायुक्त स्वतंत्र संस्था, कड़ी जांच होगी। इस बीच CM बसवराज बम्बई ने कहा कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने लोकायुक्त की व्यवस्था को दोबारा बहाल किया है। कांग्रेस के राज में तो लोकायुक्त को ही समाप्त कर दिया था। इसकी वजह से कई केस बंद हो गए थे। हम तो उन केसों को भी जांच करेंगे जो बंद कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है और हमारा स्टैंड क्लियर है।